तो छात्रों, आपने पिछले अवधि में दीपिका पल्लिकल नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो दीपिका थी वह स्क्वैश की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही। उन्होंने एशियाई गेम्स में बहुत सारे प्रशस्तियों को पा लिया है, ठीक है। और उनके परिवार के बारे में देखा जाए तो उनके परिवार में सबके सब लोग खेल जगत में ही अपने नाम को प्रसिद्ध कर चुके हैं, जैसे कि उनके दादा दादी, नाना, ये सभी, उनके पिता, उनकी माँ, सब कुछ क्या है, इस खेल दुनिया में ही अपने नाम को रोशन कर चुके हैं। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। बचपन में दीपिका टेनिस खेलना पसंद करती थी। बचपन में जो लेखिका है, जो दीपिका है, वो टेनिस खेल को खेलना पसंद करती थी। स्क्वैश की ओर उनका झुकाव तो अचानक ही हुआ, उस स्क्वैश की तरफ, स्क्वैश खेल की तरफ उनका जो झुकाव, उसकी तरफ उनका जो लगन अचानक हो गया था। दरअसल एक बार गर्मी की छुट्टियों में, दरअसल कि क्या होता कि एक बार गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी के दिनों छुट्टियों में, हॉलीडेज में, समर हॉलीडेज में क्या हो गया था, उनकी एक सहेली स्क्वैश खेलने गई। उन हॉलीडेज में वो क्या किया, उसकी सहेली, उसकी एक फ्रेंड स्क्वैश खेलने के लिए गई, अपनी सहेली के साथ रहने के लिए। उस फ्रेंड के साथ यह रहना चाहती थी, दीपिका भी रहना चाहती थी, इसलिए दीपिका ने भी कैंप में अपना नाम लिखवा लिया। दीपिका ने भी क्या किया, अपना नाम उस कैंप में लिखवा लिया। फिर क्या था, उसे स्क्वैश खेलने में मजा आने लगा। फिर क्या हो गया, उसको उस स्क्वैश को खेल को खेलने में उसे मजा आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। एक महीने बाद जब कैंप खत्म हुआ तो, आफ्टर वन मंथ जब वह कैंप खत्म हुआ तो दीपिका को लगा कि वह टेनिस से ज्यादा बढ़िया स्क्वैश खेल सकती है। उसको क्या लगा, उसको क्या रियलाइज हुआ कि वह उस टेनिस से भी ज्यादा अच्छा स्क्वैश को खेल सकती है। इसको उस तरह उसके रियलाइज हो गया। बस फिर वह जी जान से स्क्वैश खेलने में जुट गई। तब से क्या किया उसने, अपने दिलो जान से, जी जान से स्क्वैश खेलने के लिए शुरू कर दी। उसमें वह सक्रिय हो गई। आरंभ में दीपिका ने श्री हरिओम त्रिपाठी को अपना गुरु बनाया। क्या किया, बिगिनिंग में उसने क्या किया, हरिओम त्रिपाठी को अपना गुरु, अपना टीचर बना लिया। इसके बाद वह इंडियन सीमेंट स्क्वैश एकेडमी में चली गई। एकेडमीज रहते हैं, बहुत सारे एकेडमीज रहते हैं, तो इंडियन सीमेंट स्क्वैश एकेडमी में वह चली गई, जहां उन्हें भारत के राष्ट्रीय कोच साइरस पोंचा ने, कौन थे भारत के राष्ट्रीय कोच, कौन थे स्क्वैश के कोच, साइरस पोंचा ने निखारा, इनको अच्छे तरह से स्क्वैश को सिखाया। अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए मात्र 14 वर्ष की आयु में, क्या किया उन्होंने, अपने सिर्फ केवल 14 वर्ष की आयु में ही वह सिमर चली गई, मिश्र चली गई, मिश्र यानी कि डबल्स, स्क्वैश डबल्स, सिंगल डबल खेलते, मिश्र चली गई। वहां दीपिका ने मिस्र के राष्ट्रीय कोच अमीर वागीह से कोचिंग ली। राष्ट्रीय कोच कौन थे, अमीर वागीह, उनसे इन्होंने क्या किया, कोचिंग लिया, यह सीख लिया। इसके बाद इंग्लैंड में मैलकम विलस्ट्रोप से ट्रेनिंग ली। इसके बाद क्या किया, इंग्लैंड में जाकर मैलकम विलस्ट्रोप से ट्रेनिंग ली। इस तरह उन्हें कहाँ कहाँ गई वह और किन किन से ट्रेनिंग, शिक्षा प्राप्त की, इस बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और जितना कॉपी है कल की अवधि में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।